ये फार्म पे हम आ चुके हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए अपना साहू पट्ठा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए साहू पट्ठा, सूर्या, ये भी काफी गंदी। हमारे पास 10 केजी के समथिंग सब्जियां हैं, ये आप देखें काफी भांति भांति प्रकार की यहाँ सब्जियां हमने लाई है, केले के छिलके। हेलो गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो होगी बहुत अच्छी होगी। तो आज की वीडियो हम सुबह से शूट कर रहे हैं, सुबह के बज चुके हैं 9। तो आज की जो वीडियो होगी हम अपने फार्म से स्टार्ट कर रहे हैं। फार्म से क्यों, तो हम आज आपको बताएंगे कि सूअर जो हरी सब्जियां हैं खाते हैं उनको कि नहीं। काफ़ी मेरे दोस्तों के, फार्मर वीरों के सवाल जवाब थे कि क्या हम उनको सब्जियाँ दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं क्या वो खाते हैं, और अगर खाते हैं क्या उनका फ़ायदा है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं, सारे जो सवाल के जवाब है, इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, ये सच बात है कि सूअर सब कुछ खा सकता है, तो सब्जियां खिलाने के क्या फ़ायदे। तो सब्जियां खिलाने, अगर आपके पास अच्छी सब्जियां हैं, अगर आपके पास ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ या ज़्यादा गली सड़ी ना हो, थोड़ी डैमेज हो सब्जियाँ, तो चल पड़ती है। तो जब सब्जियाँ आपके पास आती हैं तो उनको धो लें, तो धोलें फिर उसके बाद इनको दें। कितनी शौक से खाता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। काफ़ी शौक से ये खाता है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ इन्हें हर बार देंगे तो ये थोड़ा मुंह फेर लेता है। अगर आप इसको रूटीन में फीड थोड़ी बदल बदल के दें तो बहुत शौकीन से खाता है। और सब्जियां हमने कुछ लाई है, कुछ मार्केट से लाई है, कुछ अपने खेतों से कलेक्ट की है थोड़ी बहुत। तो कम से कम 10 की केजी के आसपास मेरे पास सब्जियां हैं। तो आज मैं इन्हें सब्जियां ही दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये सब्जियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सीधे पहले फार्म की ओर ही चलते हैं। ये फार्म पे हम आ चुके हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए अपना साहू पट्ठा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, तो काफ़ी आवाज़ भी कर रहे हैं ये, और ये अपने नन मन छोटे छोटे, और ये अपना, ये देखिए साहू पट्ठा, और ये देखिए आप, और फिर ये अपनी मादा सूर्या, ये भी काफ़ी गंद इन्होंने मचाया है, ये मादा सूर्या अपनी। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी एग्रेसिव। हमारे पास 10 केजी के समथिंग सब्जियां हैं, ये आप देखें काफ़ी भांति भांति प्रकार की यहाँ सब्जियां हमने लाई है, केले के छिलके, और ये पपीता, और बहुत कुछ इसमें है, और आलू, और बहुत सारी आइटमें इसमें हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं। तो गाइज, हमारे पास ये सब्जियां आ चुकी हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी सब्जियां हैं, ज़्यादा डैमेज सब्जियाँ नहीं हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके रिपोर्ट ये सब्जियाँ हैं, ये आप देखें। ये ऐसी अगर सब्जियां आपके मिलती है तो महीने में आप एक दो बार जरूर अपने जानवरों को दे सकते हैं, महीने में एक दो बार जरूर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक दो बार, और इनको दे के देखते हैं कि खाते हैं कि नहीं, इनको देते हैं। तो गाइस आप देखें, सपा चट कर रहे हैं, ये जो सब्जियां हमने डाली थी आराम से खा रहे हैं ये जानवर, आप देख सकते हैं बड़े शौक से खा रहा है। ये देखिए काफ़ी शौक से खीरा खा रहा है, आराम से सब कुछ खा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ भी देखिए आप, काफ़ी शौक से खा रहे हैं, और तरबूज भी इन्होंने परकच्छे उड़ा दिए हैं तरबूज के भी। ये देखिए आप, तरबूज भी बड़े शौक से खा रहे हैं, ये देखिए आप आराम से तरबूज भी खा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप देखें। और इधर भी ये सारी सब्जियाँ खा चुका है, यहाँ देखें साहू या पट्ठा थोड़ा एग्रेसिव ज़रूर है, और ये देखें आप, और यहाँ देखे खा रहा है, बड़े शौक से खा रहा है।
देखा किस तरीके से इन्होंने ये सब्जियां खाई है, और फायदा है इनका खिलाने का। अगर महीने में एक दो बार आप रिपीट करते हैं, अच्छी ताज़ी सब्जियां आपको कहीं से मिले, और चलो ताज़ी सब्जी आपको ना भी मिले, अगर कोई डैमेज सब्जी मंडियों से मिले तो आप ला सकते हैं अच्छी, उनको साफ करके, पानी में साफ करके उनको दें, तो वो शौक से खाएगा। आपने देखा ही है अभी किस रफ्तार से, कितने प्यार से वो खा रहा था। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप हर रोज़ इन्हें सब्जियाँ खिलाएं, क्योंकि सब्जियाँ वेट तोड़ती भी हैं। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा फीड में चेंजिंग लाना चाहते हैं, अगर महीने में एक दो बार आप ऐसी आइट में इन्हें ज़रूर दें, जैसे कि आजकल तरबूज, पपीता वगैरह ऐसी ऐसी आइट में काफ़ी भरपूर मात्रा में आ रही है, खरबूजे वगैरह, तो वो अगर आपको डैमेज होते हैं काफ़ी, तो अगर वो आपको मिलते हैं तो उनको आप लाएँ और खिलाएँ, और बड़े शौक के साथ खाएगा। तो हफ्ते में एक दो बार आप रिपीट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। तो वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर करें, और चैनल में अगर आप पहली बार हमारे से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपके सामने सबसे पहले उसकी आए और आप जानकारी सबसे पहले पाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा, अपने फार्म का ध्यान रखिएगा। राम राम।